हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं अनीता सिंह, यूट्यूब चैनल अनीता की जिंदगी में आप सभी को मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूं। तो जिसने भी अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो मैं आज चढ़ गई हूं छत पर, क्योंकि मैं अलवेरा का पौधा लगाई हूँ और उसमें से मैं जेल निकालती हूँ। जब भी हमारे बाल को साफ करना रहता है तो मैं जेल लगाती हूँ, और बाल धोने से 10 मिनट पहले मैं लगा लेती हूँ, अपने बालों को मसाज कर लेती हूँ अच्छे से, और 10 मिनट के बाद मैं अपने बालों को जो हमारे नॉर्मल शैम्पू होते हैं मैं उससे साफ़ कर लेती हूँ। तो चलिए, मैं एलोवेरा जहाँ लगाई हूँ वो मैं पौधा आप लोग को दिखा रही हूँ। बारिश हो रही है तो बारिश की वजह से हमारे जो एलोवेरा है उसमें पानी डालना नहीं पड़ रहा है, नहीं तो मैं पर डे इसको पानी इसमें जड़ में डालती हूँ। और छोटा छोटा पौधा रहता है, जब भी ये बड़ा होता है तब तक मैं इसको कट कर देती हूँ, क्योंकि बालों में लगाना रहता है। हमारे बच्ची भी लगाती है, अपने फेस पर भी लगाती है और बाल में भी लगाती है। तो लगा देने से क्या होता है, जो डैंड्रफ रहता है वो ख़त्म हो जाता है, और हमारे बाल में कभी कभी क्या होता है कि खुजली लगता है, तो वो भी नहीं लगता है इसको लगा देने से। और इसको आप पर डे क्या, जब भी आप अपना बाल को साफ करना है लगाइएगा, तो जो एक होता है ना खुजली या रूसी या डैंड्रफ, कुछ भी नहीं रहता है, सब ख़त्म हो जाता है, और हमारे बालों को मुलायम और बहुत चमकदार बनाता है। क्योंकि हमारे जो एक जेल मिलता है जो कि मार्केट में या बाज़ार में, उससे ही अच्छा रहता है और स्वस्थ रहता है। तो अपने घर में एलोवेरा लगाना चाहिए, पौधा जो है बहुत अच्छा पौधा है, और हमारे फेस के लिए तो और ही अच्छा है, और हमारे बाल के लिए भी और अच्छा है। ऐसे कितने कितने लोग तो इसको खाते भी हैं, तो मैं खाती नहीं हूँ, बस इसको मैं यूज करती हूँ। तो मैं इसमें से एक को कट कर ले रही हूँ, तो एक हाथ से मैं ली हूँ अपने मोबाइल को, तो देख सकती हैं, एक ही हाथ से इसको मैं कट कर दूँगी। तो देख लीजिए, इतना ही मुलायम रहता है कि अपने आप ये कट हो जाता है, चाकू का भी ज़रूरत नहीं पड़ता है। लेकिन बस छोटी सी प्लेट ले ली हूँ, और चाकू से जो इसका ऊपर का कवर होता है तो सबको मैं पहले हटा दूँगी, और उसी चाकू से, तो देखिए मैं कैसे जेल को निकाल रही हूँ, और बहुत ही अच्छे से निकल जाता है। और इसके तो लोग कितने कितने लोग पेड़े बनाते हैं जेल का। तो देखिए मैं इसको कैसे मसाज करने के लिए मैं जेल तैयार कर ले रही हूँ अपने घर में। ऐसे बाहर में भी एलोवेरा जेल मिलता है, लेकिन वो हमको सेट नहीं करता है। मैं जब से मैं लगाती हूँ तब से मैं जो हमारे घर का पौधा होता है मैं उसी में से लगाती हूँ, तो बस बहुत आसानी से ये जेल निकल जाता है। और एक बार लगाइएगा, इसको लगाने से हमारे जो सर है उसमें कभी खुजली भी नहीं लगता है, और जो जुई होता है वो भी नहीं आता है। तो बस ये नींबू मेरा हो गया, बस नींबू को दो चार बूंद इससे मैं निचोड़ दी। और याद रखिएगा, इसको लगाने के बाद 10 मिनट छोड़ दीजिए, और धो कर ही इसको अच्छे साफ कर। हेलो जी, कैसे हैं आप सब? तो आज मैं आप लोग के साथ अपने बालों में एलोवेरा जेल लगाने वाली हूँ, और आप लोग भी लगाइएगा, आप लोग का बाल एकदम स्वस्थ रहेगा और बहुत काला और मुलायम दिखेगा। अगर एलोवेरा जेल आप लोग लगाइएगा, जब आप बाल को फेस वॉश कीजिए उस समय आप लगाते रहिए। तो देखिए मैं कैसे लगा रही हूँ। मैं रात में सोते वक्त थोड़ी सी तेल रख ली थी, क्योंकि मैं केस कांति तेल लगाती हूँ, तो रात में ही मैं लगाती हूँ उसको। तो बस मैं लगाने वाली हूँ। तो ये मेरा जेल हो गया जो मैं निकाली थी। तो देखिए, देखने से तो गजीब सी लगता है, लेकिन बहुत ये सही है हमारे सेहत के लिए, जो हमारे बाल में तरह तरह से दिक्कत परेशानियाँ हो जाती है। कितने लोग के बाल झड़ने लगते हैं, तो ये हमारे बालों को भी झड़ने से भी रोकता है, और बहुत जल्द ये जैसे कि होता है ना ब्लैक से उजला, तो जल्दी नहीं होने देता है उजला, ये रुकता है। मैं इसको धीरे धीरे इधर उधर आ जा रहा है करके मैं फार को अपने बालों को जो होता है ऐसे ऐसे जब भी अपने बाल को फेस वॉश करती हूँ तो पहले मैं एलोवेरा जेल से मसाज कर लेती हूँ, तभी मैं करती हूँ।
इधर उधर टपक रहा है, लगाने पर थोड़ा थोड़ा टपकता है। बस इसको 10 मिनट तक से इसको इसी तरह छोड़ दूंगी। जो बड़ा बड़ा टुकड़ा में रहता है थोड़ा रह जाता है इसी तरह। ऐसे आप मिक्सी में भी इसको चला सकती हैं, तो मैं मिक्सी में नहीं चलाती हूँ कि बहुत थोड़ा सा रहता है तो इधर उधर चपक जाता है उसी में, तो हमको झंझट सी लगती है, इसलिए मैं अपने हाथों से ही इसको कुचट देती हूँ। देखिए तो मैं इसको इस तरह करके इसको चेक करके बस इसको 10 मिनट इसको छोड़ दूंगी। इधर उधर पड़ जाता है लगाते वक्त, आप लोग भी लगाइएगा क्योंकि हमारे उम्र से पहले ही हमारे जो बाल जो पकना शुरू हो जाता है सफ़ेद दिखना, तो ऐसे ऐसे चीज़ हम लगाते रहेंगे तो हमारे जो बाल है वो सफ़ेद होगा लेकिन धीरे धीरे होगा। एक होता है ना हमारे हस्बैंड के जो बाल है उनका 20 साल की उम्र में ही टोटल बाल उनको पक गया, तो क्या काम किए कि वो दूसरा कोई चीज़ लगा लिए थे तो उसका थोड़ा साइड इफेक्ट उनको हो गया। और जो मेरा है थोड़ा दिख रहे हैं आप, बस एक थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं दिख रहा है, तो मैं इसी को लगाती हूँ धोने से 10 मिनट पहले इसको छोड़ देती हूँ। तो मैं स्नान करने चली गई थी बाथरूम में, तो मेरा यहाँ स्नान हो गया और जब मैं शैम्पू लगाई तो 10 मिनट पहले बालों को अच्छे से साफ़ कर ली, जो जेल लगाई थी एलोवेरा जेल उसको अच्छे से साफ़ करके तब मैं शैम्पू लगाई और यहाँ मैं आ गई हूँ। अब मेरा सुबह में जो पूजा होता है गाइज, तो सबको अपना अपना धर्म में है, तो मैं यहाँ पूजा करने के लिए जाती हूँ छत पर, तुलसी का पौधा लगाई हूँ उससे मैं जल देती हूँ, सूर्य भगवान को जल देती हूँ। और जल पूजा करने के बाद ये मेरा रुई हो गया, मैं आज बत्ती बनाने वाली हूँ, तो मेरा जो भगवान के मैं दिया जलाती हूँ तो मेरा ख़त्म हो चुका था, तो यहाँ मैं बैठ गई हूँ कुर्सी पर। और जो मेरा बाल है वो गीला गीला सा है, अभी मैं इसको साफ की हूँ, तो हाथ को अब अच्छे से साफ कर ली हूँ। जब मैं बाती बनाती हूँ भगवान को के तो पानी रखती हूँ गंगा जल सेके ही सहारे से मैं बत्ती बनाती हूँ भगवान को जलाने के लिए। तो देखिए मैं घर में ही अपने बत्ती बना लेती हूँ, क्योंकि बाहर से मैं रुई खरीद कर लाती हूँ, 250 ग्राम रुई खरीद कर लाती हूँ, तो 2 साल मेरा बत्ती चल जाता है घर में जब हम बनाते हैं बत्ती तो। और जब मार्केट से खरीद कर लाते हैं तो बहुत महंगी सी पड़ती है, बहुत उसमें कम भी रहता है और ज़्यादा दिन नहीं जाता है, बहुत जल्द ख़त्म हो जाता है, इसलिए हमको आसानी से लगता है हम घर में ही बत्ती को बना लेते हैं। बस इसके अपने उंगलियों पर थोड़ा थोड़ा टुकड़ा में ले लीजिए और चारों तरफ से जो हमारे कोन होता है चारों तरफ से इसको गोल गोल कर दीजिए उंगलियों से दबाते हुए फोल्ड, और आसानी से ये बन जाता है, अब बहुत जल्द बनता है। तो देखिए मैं कैसे बत्ती को बना ले रही हूँ, बहुत आसानी से बन जाता है। कितने लोग जलाते हैं जिसे कच्चे धागे का होता है मार्केट से लाकर, तो भी लोग जलाते हैं, लेकिन हमको ये ज़्यादा घर में जो बत्ती बनता है वही आसानी लगता है और इस ज़्यादा भी बनता है, और हमारे जो एक होता है ना बजट तो बजट में भी आ जाता है। तो यहाँ मैं बत्ती को बना ले रही हूँ, मेरा बत्ती ख़त्म हो गया था। इसका भी एक नियम होता है, ये सोमवार और शुक्रवार को नहीं बनता है क्योंकि रुई लोग नहीं छूते हैं, हमारे जो संस्कृत के रीति रिवाज जो होता है तो शुक्र और शनिवार को हम रुई नहीं छूते हैं, नहीं बत्ती बनाते हैं, बाकी दिन बत्ती बनाते हैं। तो यहाँ बस लेकर चारों तरफ से गोल गोल करते हुए मैं बत्ती को बना ले रही हूँ और ये मेरा ढेर सारे बन जाता है और बहुत ज़्यादा दिन चल जाता है एक बार मैं बना लेती हूँ तो, क्योंकि दोनों समय हमको बत्ती को जलाना रहता है शाम में भी और सुबह में भी, तो दो दो बत्ती लग ही जाता है, 4 बत्ती पर डे लगता है।
क्योंकि हम तुलसी माता के भी जलाते हैं बत्ती एक एक्स्ट्रा, और जहाँ भगवान का मंदिर है वहाँ भी जलाते हैं, तो मेरा 2 सुबह लग जाता है और 2 शाम में लग जाता है, तो इसलिए मैं घर में बनाना ही आसान है इसको समझती हूँ। तो देखिए मेरा बहुत जल बनकर तैयार हो गया, तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मैं अगले वीडियो